क्या सुनेंगे सर आप? कुछ नहीं सुन सकते सर आप, हिम्मत है आप में सच सुनने की? क्या सुनेंगे आप सर? यही कि क्या हम जैसे स्ट्रगलर्स की कोई कदर ही नहीं होती है? जब भी सीधा सीधा ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशन पे लाइन में लगकर ही हमसे पहला सवाल ही पूछा जाता है कि आप कहां से हो, किसी रेफरेंस से आए हो या डायरेक्ट आए हो? डायरेक्ट आए हो तो नहीं मिलेगा ऑडिशन, कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें, जाके जाओ और किसी से रेफरेंस लेकर आओ। पहले तो सर पता ही नहीं था कि रेफरेंस क्या होता। रेफरेंस ढूंढते ढूंढते सर हम डिफरेंस में पड़ गए, हमें डिफरेंस पता ही नहीं चला कि असली क्या है नकली क्या है। इधर से आने से पहले तो हमें तो लगता था कि हम भी बड़े स्टार बन जाएंगे, हम शाहरुख खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार बन जाएंगे, लेकिन हमारा घंटा कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया हमारा सर। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, इस काम से लगन के साथ हम इधर आए थे कि हम एक बड़े एक्टर बन जाएंगे, एक बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए सर। लेकिन तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे दिल में दम है, जब तक हमारी सांस में सांस है, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम एक सुपरस्टार ना बन जाए, जब तक हम सुपरस्टार ना बन जाए, जब तक हम जब तक हम कामयाब ना हो जाए, तब तक लड़ते रहेंगे सर। और ये हमारा वादा है, हमारा वादा है, ये स्ट्रगलर्स का वादा है, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे हमारे उस चांस के लिए जब हम अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम भी एक बेहतरीन एक्टर्स हैं, कि बस स्टार किड्स के बच्चे ही सिर्फ एक्टर्स नहीं बन सकते, एक आम बच्चा भी एक एक्टर बन सकता है, एक आम बच्चा भी, एक आम हिंदुस्तानी भी हमारे जैसा एक्टर बनने का ख्वाब देख सके, हमारे जैसा एक्टर बनने का सपना देख सके। लेकिन कुछ नहीं सर, यहां आने के बाद पता चला कि यहां पर तो सिर्फ स्टार इमेज को देखा जाता है, एक्टिंग की कोई बात ही नहीं करता सर, कोई एक्टिंग की बात ही नहीं करता। सब बात करते हैं तो स्टार इमेज की, गुड लुक्स की, कनेक्शंस की, और कनेक्शंस के साथ साथ उन बड़ी बड़ी लिंक्स की जो लोगों को पार्टीज में मिलती है और हमें अलाउ तक नहीं किया जाता कि उन पार्टीज में चले जाएं। कैसे जा सकते हैं सर, दिन का खर्चा ही 500-600 रुपए हो जाता है और हमारी आमदनी कितनी है? वन डे टू डे का काम मिलता है, वो भी दिन के कितना, 2000-3000, वो भी कब मिलते हैं, 3 महीने बाद। हालत खराब हो गई है सर हमारी, हमारी हालत को समझिए सर, हमारी हालत को समझिए। वादा लेकर आए थे हम गांव से कि हम बड़े एक्टर बनेंगे, सारे बोल रहे थे आजम मुंबई जा रहा है हमें भूल मत जाना, जब पिछले हफ्ते घर गया ना सर तो वो लोग मुझे भूल चुके थे। ये सुनेंगे आप, ये दुख दर्द सुन पाएंगे आप? चलिए सर, ये दुख दर्द बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि विश्वास वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। जय हिंद सर, टेक केयर, जाता हूं एक अगले ऑडिशन के लिए।